कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के निवास में आगामी चुनाव को लेकर अहम बैठक रखी गई। मंत्री रविंद्र चौबे का स्वास्थ्य हाल जानने के बाद पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई। करीब दो घंटे तक चली इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मंत्री टीएस सिंहदेव, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, मोहम्मद अकबर सहित तमाम मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि चुनाव का समय है, इसलिए समय समय पर बैठकें होती रहती हैं। आज चौबे जी के यहाँ बैठक थी, पार्टी की रणनीति तय होती रहती है। अंदर बैठक में चर्चा क्या हुई है इस बात का जिक्र नहीं करूंगा। आगामी 22 जून को भी एक बैठक रखी गई है। उस श्रृंखला की एक और मंत्रणा है जो पहले घोषित की गई थी कि समय समय पर अब निकट भविष्य में चुनाव को देखते हुए ये बैठकें लगातार चलती रहेंगी, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ। और चुनाव की स्ट्रेटेजीज हैं तो उसको मैं साझा नहीं कर सकता क्योंकि पार्टी के अंदर की बात है, लेकिन चुनाव की स्ट्रेटेजीज को लेके हमारे प्लसेस क्या हैं, माइनसेस क्या हैं, इन पे कॉन्सेंट्रेट करना, लोगों तक पहुंचना, विभिन्न पहलू हैं, विभिन्न समूह हैं, सारे समूहों तक पहुंचना, पार्टी के कैडर हैं, पार्टी के प्रतिनिधि हैं, पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, इनको सीधी तौर पर जवाबदारी, चिन्हांकित जवाबदारियाँ देना, इस बाबत ये बैठक है और ये चलेंगी, लगातार चलती रहेंगी। संभवतः 22 तारीख को अगली बैठक हो सकती है। इस दौरान पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बताया कि इसी माह में बूथ कमेटियों का ट्रेनिंग प्रोग्राम रखने वाले हैं। इससे पहले 10,000 से अधिक कांग्रेस के छोटे बड़े कार्यकर्ता बूथ चलो अभियान चलाएंगे और बूथ कमेटियों का समीक्षा करेंगे, आने वाले समय में चुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे। कृषि मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी के निवास में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें संभागीय सम्मेलन प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पांचों संभाग में पूरा कर लिया। आने वाले दिनों के लिए रोड मैप कैसे हो, कैसे कार्यक्रम तय करने, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। अब हम लोग विधानसभा स्तर में हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम करने वाले हैं, बूथ कमेटियों का ट्रेनिंग प्रोग्राम, संकल्प शिविर। उससे पहले हम लोग इसी महीने में हम लोग बूथ चलो अभियान के माध्यम से सभी हमारे वरिष्ठ नेता, लगभग 10,000 हमारे नेता सभी बूथों में जाएंगे, बूथों का समीक्षा करेंगे और आने वाले दिनों के लिए बृहद रोड मैप के साथ हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और 2023 में हम कैसे चुनाव लड़ें उसकी तैयारियों को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। देखिए 22 तारीख को हम लोग फिर से बैठेंगे और जो अन्य विषयों पर जो चर्चाएं नहीं हुई है उन विषयों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि चुनाव 2023 नज़दीक है, इसलिए हम लोग विस्तार से हर मुद्दों पर, किन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, सभी मुद्दों पर, सभी पहलुओं पर हम लोग विचार कर रहे हैं।